नमस्कार डॉक्टर लाइव हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज अज़ा। रोजाना एक नए टॉपिक के साथ अपने खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हमारे इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे इसका फायदा मिले। तो आपको भी अगर कोई परेशानी है तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आप कॉल कर सकते हैं। आज का टॉपिक है अस्थमा। जी हाँ, जिसे दमा भी कहा जाता है। अस्थमा की वजह से अक्सर सांस लेने में काफी दिक्कत होती है और जिसके बाद इसमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं, डॉक्टर को दिखाना होता है। तो किस तरीके से अस्थमा होते हैं, इसके क्या कुछ यहाँ पर इलाज है और कैसे इससे बचा जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर अपने इस खास कार्यक्रम में हम आज नजर डालेंगे। यहाँ हमारे साथ खास कार्यक्रम में मौजूद होंगे डॉक्टर जो आपको अस्थमा से बचने के, अगर अस्थमा का अटैक आपको आता है तो उससे कैसे आप जल्द ही राहत पा सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर आपको यहाँ पर दिशा निर्देश देंगे। तो हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम अस्थमा के बारे में बात करें, भागदौड़ की इस जिंदगी में देखा जाए तो आजकल अस्थमा के काफी मरीज मिल रहे हैं। पहले अस्थमा के मरीज काफी कम मिलते थे लेकिन अब लगातार इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है और अब छोटे बड़े और बुजुर्ग तमाम लोगों में इसकी शिकायतें देखने को मिल रही हैं और कभी कभी ये अस्थमा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो किस तरीके से अस्थमा से बचें, अगर अस्थमा आपको है, ये दमा की बीमारी आपको है, तो ऐसे इसमें कैसे परहेज करें और अगर इस पर अटैक आता है, आपके पास दवा नहीं है, तो किस तरीके से इसको आप काबू कर सकते हैं, कैसे इससे रिलैक्स मिल सकता है, इन तमाम चीजों पर हम आज नजर डालेंगे। तो अस्थमा के क्या कुछ वजह होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। धूल की वजह से अस्थमा का अटैक आता है, काफी दिक्कत होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और भी किस वजह से अस्थमा होता है, किन चीजों से आप दूर रहें और किन चीजों से परहेज करें, ये बड़ा एक अहम सवाल है। तो चलिए इस वक्त हम आप सीधे इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे अस्थमा से बच सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश गर्ग, स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में आपका। तो डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं अस्थमा को लेकर। अस्थमा यानी इसको दमा भी कहते हैं। देखा जाए तो पहले ये काफी कम लोगों में मिलता था लेकिन अब चाहे वो बच्चे हों या यंगस्टर हों या बुजुर्ग हों, अब इसमें ज्यादातर इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो आखिर क्या वजह है कि लोगों में अस्थमा लगातार बढ़ता जा रहा है, हम चाहेंगे कि आप बताएं हमारे दर्शकों को। आजकल पर्यावरण और हमारा लाइफस्टाइल, खान पान, ये सब इतना अस्त व्यस्त हो गया है कि हम किसी न किसी रोग से गंभीर ग्रसित हो जाते हैं। उसमें से एक अस्थमा भी है। अस्थमा जो है हमारा श्वसन तंत्र से रिलेटेड है, इसमें सांस लेने में हमको बड़ी दिक्कत होती है। यही सब कारण है कि हम समय से खाते पीते नहीं हैं, उनका पाचन का ध्यान नहीं रखते हैं और खाते हैं, खाते ही जाते हैं, कुछ संतुलित आहार नहीं लेते हैं, आराम और व्यायाम नहीं करते हैं और हमारी जो वायु है प्रदूषित है, उद्योगों के कारण है, यातायात के कारण है और बहुत से कारण हो सकते हैं उसके, जिनको कंट्रोल करने के लिए समय समय पर सरकार निर्देश भी देती है लेकिन परंतु जनता उसके प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है। वायु को किस प्रकार से हम मतलब स्वस्थ रखें ताकि हम स्वस्थ। बिल्कुल डॉक्टर, आपने सही कहा कि आज के अगर बात की जाए जनरेशन में या अभी के माहौल की बात की जाए तो हमें स्वच्छ यहाँ पर जो है वायु नहीं मिलती, वातावरण बिल्कुल स्वच्छ नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ चुका है जो कि कई बीमारियों को न्योता दे रहा है। उसी में से एक है अस्थमा जो इसकी वजह से सबसे ज्यादा फैल रहा है। जी, हमारे जीवन में ज़्यादा व्यस्तताएं रहने के कारण, भोजन का ठीक से पालन न करने के कारण, ऋतुचर्या दिनचर्या, जब भी हमारा ऋतु परिवर्तन होता है तो विशेष रूप से पहले तो बुजुर्ग लोगों में या वृद्ध लोगों में बहुत ज़्यादा ये देखने में आता था लेकिन परंतु आज देखने में आ रहा है कि नवजात शिशुओं तक में जो अभी जन्म लेते हैं प्रसव के बाद, उनमें भी अस्थमा की रोग के लक्षण पाए जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, हम जानना चाहेंगे कि अगर आपको अस्थमा है, अस्थमा का अटैक आता है तो कैसे इससे हमें जो है समाधान जल्द से जल्द मिल सकता है। इसके लिए दवाइयां तो आती हैं और इनहेलर का यूज़ भी लोग करते हैं जिन्हें अस्थमा काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर कभी सडनली वो चीज़ हमारे पास नहीं है, कई बार ऐसी कंडीशंस आती हैं, तो किस तरीके से हम जो है इस पर जो है काबू पा सकते हैं, इस बारे में जानना चाहेंगे। जब भी इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है हमें गर्म पानी का सेवन करना चाहिए
और सांस को धीरे धीरे रोक कर लेना चाहिए, उससे काफ़ी स्थिति को हम नियंत्रण में ला सकते हैं। और उसके पश्चात जब स्थिति नियंत्रण में आ जाए तो हम किसी भी योग्य चिकित्सक से नियर बाई या जो हमारा फैमिली फिजिशियन है उससे उस बारे में परामर्श करके औषधि ले सकते हैं। अगर आप नेबुलाइजर यूज करते हैं या पंप यूज करते हैं तो उसके बाद उसको आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप भी अगर अस्थमा से परेशान हैं, यानी दमा की परेशानी है, आपको बीमार हैं आप इससे, तो आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश गर्ग, इनसे आप सलाह ले सकते हैं अपनी इस बीमारी को लेकर। हमारा फ़ोन नंबर है 0114321 4321। इस नंबर पर आप फ़ोन करें और अपनी किसी भी समस्या का समाधान यहाँ जान सकते हैं अस्थमा से जुड़ी हुई। तो आखिर अस्थमा किस वजह से होता है, यह आपको डॉक्टर ने बताया कि एक तो हमें यहाँ शुद्ध वातावरण नहीं मिलता, शुद्ध वायु नहीं मिलती, इतना पॉल्यूशन जो है वायु में बढ़ चुका है जो कि इस बीमारी को सबसे ज्यादा न्योता देता है। इस वजह से भी हमें काफी ज्यादा यहाँ पर अस्थमा की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। तो खास तौर पर अब ये सिर्फ बुजुर्गों में नहीं, यंगस्टर्स में नहीं, बल्कि नवजात शिशुओं में भी पाया जाने लगा है कि वो भी अस्थमा के यहाँ पर मरीज होने लगे हैं। तो इससे एहतियात ही बरतना सबसे ज्यादा अच्छा है कि आप इससे बच सके। आपने जैसा कहा डॉक्टर राकेश गर्ग कि शुद्ध वायु ना मिलना सबसे बड़ा इसका जो है कारण है। साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि आजकल धूम्रपान का काफी ज्यादा कल्चर है, लोग धूम्रपान को अपनी लाइफस्टाइल में इतना ज्यादा समाहित कर चुके हैं कि उसके बिना उनकी लाइफ नहीं है। क्या इसका भी अफेक्ट पड़ता है, क्या इसकी वजह से भी अस्थमा की बीमारी होती है? बिल्कुल होती है, धूम्रपान तो इसका मुख्य कारण है। धूम्रपान में जो निकोटीन होता है वो हमारी जो कैपिलरीज है उनमें जमा हो जाता है। कई बार आपने दूरदर्शन पे भी देखा होगा, दिखाया जाता है उसमें से किस प्रकार से वो जमाव होता है और वो कितना मतलब प्रदूषित होता है, काला काला जब ट्यूब में से निकलता हुआ दिखाई देता है। इसके लिए विदेशों में तो बहुत अच्छा प्रावधान है, वहाँ स्मोकिंग फ्री जोन है, लेकिन हमारे देश में सब बात तो करते हैं पर्यावरण की। हम पीछे चिकित्सकों का एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री से भी मिला, आपके मुख्यमंत्री हरियाणा से भी मिला, उन्होंने उस बात पे विचार करने के लिए कहा कि सरकार इस तरीके के नो स्मोकिंग जोन बनाए, रेस्टोरेंट में बनाए, रेलवे स्टेशन पे बनाए, पब्लिक प्लेसेस पे बनाए, ताकि इस प्रकार के जो संक्रमण को रोका जाए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कम से कम 6 करोड़ व्यक्ति प्रतिवर्ष अस्थमा और इस तरीके की बीमारियों से ग्रस्त होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसको रोकने के लिए नो स्मोकिंग जोन एक मतलब परहेज के तौर पे एक इस प्रकार का एक उपाय है जिससे हम इस रोग को हम अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकने में सक्षम हो सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर आप बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं, आप भी शराब पीते हैं या सिगरेट की आपको लत है, तो इससे आप जितने जल्दी दूर हों वो आपके लिए काफी बेहतर है। अपने दर्शकों से कहना चाहिए कि धूम्रपान किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, सेहत के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लाइफस्टाइल में लोग आजकल इसको अपना स्टैंडर्ड मानते हैं, लेकिन ये आपके लिए काफी घातक हो सकता है, अस्थमा जैसी बीमारी को न्योता दे सकता है। तो इन चीजों से जितना आप दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और सबसे अहम बात ये कि जो दमा या अस्थमा के मरीज हैं वो इन चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर इन चीजों का आप सेवन करते हैं तो आप हमसे बेहतर समझते होंगे कितनी ज्यादा ये आपकी बीमारी बढ़ सकती है और ये चीजें आपको कितना ज्यादा यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकती है। डॉक्टर राकेश गर्ग, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अस्थमा को लेकर कि कैसे ये होता है और किन चीजों का सबसे ज्यादा इस पर फर्क पड़ता है, इन पर भी हमने आपसे यहाँ पर चर्चा की। हम जानना चाहते हैं कि किन चीजों को खाने से जो है अस्थमा यहाँ पर होता है, तो उन चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। मुख्यतः गरिष्ठ भोजन जो होता है, जो भारी भोजन होता है, तला भुना होता है, बासी होता है, ज़्यादा तेज मिर्च मसालों का होता है, उसके कारण हमारा जो पाचन व्यवस्था है वह अस्त व्यस्त हो जाती है, जिसके कारण अस्थमा रोग और श्वसन रोग एक्यूट हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए और प्रातःकाल स्वच्छ हवा रहती है तो उसमें हमको घूमना चाहिए, थोड़ा बहुत व्यायाम करना चाहिए, उससे हमारे जो फेफड़े हैं उनको जब स्वच्छ हवा मिलेगी और तो उसके जो हमारे जो फेफड़े हैं या लंग्स हैं वो लगभग उनकी बनावट ऐसी होती है जिस प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो जिस एक एक जो सेल है, एक एक जो वो बना होता है, उस प्रकार के हमारे असंख्य लाखों की तादाद में वह रहते हैं और उनमें थोड़ा बहुत खिंचावट आ जाती है जिसके कारण हमारे जो
फेफड़े हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, और हम श्वसन में जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उसका वो ठीक से अंदर इनहेलेशन नहीं हो पाता, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी हम ठीक तरीके से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जिसके कारण हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। इस प्रकार के रोगियों को वातानुकूलित जो कमरे हैं, एयर कंडीशन है, उनसे बचना चाहिए ज्यादा भीड़ भाड़ के। जो बिल्कुल डॉक्टर राकेश को हम आगे भी जानेंगे किन चीजों से हमें यहाँ परहेज करना चाहिए और किन चीजों का सेवन हमें अस्थमा में करना चाहिए, लेकिन फिलहाल इससे पहले हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के। हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राकेश गर्ग। हम बात कर रहे हैं अस्थमा यानी दमा को लेकर। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि किन चीजों के सेवन से अस्थमा में ज्यादा नुकसानदायक होता है और अस्थमा हमारी बढ़ती है, तो बात यहाँ हुई थी कि एसी से हमें थोड़ा परहेज करना चाहिए। डॉक्टर राकेश गर्ग आप बताए थे, हम चाहेंगे आप आगे भी बताएं यहाँ पर कि और किन चीजों से परहेज करना चाहिए इस बीमारी में। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए, और उष्ण भोजन, ठंडा भोजन भी नहीं करना चाहिए, रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, और जो गरिष्ठ भोजन है विशेषतः दही वगैरह का सेवन अवॉइड करना चाहिए। अगर दही वगैरह का बहुत ज़रूरी है सेवन करना तो उसमें कुछ उष्ण तत्व जैसे हमारे मसाले वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, ये सब करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब यहाँ की ठंडी चीजों को थोड़ा परहेज करना चाहिए, ठंडी चीजें जो है थोड़ा नुकसान करती हैं अस्थमा की बीमारी में। इसके साथ ही हम जानना ये चाहेंगे डॉक्टर राकेश गर्ग की अस्थमा की बीमारी में किन चीजों को हमें उसका सेवन करना चाहिए जो हमारे लिए फायदेमंद होता है। उष्ण जल लेना चाहिए भोजन से पहले या भोजन के बाद भी, और गहन जब कभी आकस्मिक या इमरजेंसी कुछ की स्थिति पैदा हो जाती है तब हमें गंभीर डीप ब्रीथ करना चाहिए, उससे हमें फ़ायदा मिल सकता है स्थिति को नियंत्रण करने में। और हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए और फलों का सेवन विशेष रूप से हमें अपराह्न तक कर लेना चाहिए, 4 बजे के बाद हमें किसी प्रकार के फलों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ठंडे ही रहते हैं, उनकी तासीर ठंडी रहती है जनरली। बिल्कुल डॉक्टर राकेश गर्ग, अस्थमा के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, जैसा कि होता है कि अस्थमा का अटैक आता है, अस्थमा की बीमारी है तो हम इसकी दवा लेते रहते हैं, यानी कि जैसे आपने बताया कि पंप का प्रयोग भी हम करते हैं ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि जब अस्थमा का अटैक होता है, अस्थमा की बीमारी, तो सांस लेने में काफ़ी तकलीफ यहाँ पर होती है, तो हमेशा ही दवाइयों पर ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती, तो इसके लिए और क्या बेहतर यहाँ पर जो है हमारे पास विकल्प हैं जिन्हें हम यहाँ इस्तेमाल कर अस्थमा से बच सकते हैं, हम जानना चाहेंगे आपसे। अभी पिछले वर्षों से योगा के ऊपर काफ़ी विशेष रूप से गौर किया जा रहा है, उस पर फोकस किया जा रहा है, केंद्रित किया जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मानकीकरण किया गया है। इसमें हम योगा के द्वारा विशेष रूप से, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में प्रयास किया है, स्वास्थ्य मंत्री भी कर रहे हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इंटरनेशनल योगा डे और योगा वर्ष मनाने की घोषणाएँ की हैं। तो हमें विशेष रूप से प्राणायाम से क्या होता है, जो हमारी फेफड़ों की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसमें बढ़ावा मिलता है। जब कैपेसिटी, जब हमारी गुब्बारे की तरह हमारे फेफड़े होते हैं, जब उन्हें इतना मतलब हम फैला सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं, जब वो प्रसार करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से जब हवा हम अंदर लेते हैं सांस के द्वारा, उसकी जो ऑक्सीजन शोषित करने की ताकत बढ़ेगी, और वो ब्लड में जब मिश्रित होकर पूरे शरीर में करेगी तो उसमें थोड़ा बहुत आराम, राहत मिलेगी। थोड़ा बहुत औषधि से थोड़ा बहुत आप परहेज करते हैं उससे भी आप अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं, कुल मिला के आप उस स्थिति से उभर सकते हैं। बिल्कुल, तो परहेज सबसे बेहतर यहाँ पर विकल्प होता है किसी भी बीमारी से बचने का। अस्थमा या दमा से आप ग्रसित हैं, अगर ये बीमारी आपको है तो बेहतर आपके पास विकल्प यही है कि आप परहेज करें। दवा चलती है, डॉक्टर से यहाँ पर आप सलाह लेते रहें इस बीमारी को लेकर, लेकिन के साथ ही साथ योगा काफ़ी कारगर साबित होता है अस्थमा के मरीजों के लिए, इस बीमारी के लिए ये एक बेहतर विकल्प है कि क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो योगा को काफ़ी यहाँ पर प्रोत्साहन मिला है। योगा को हमेशा से ही यहाँ पर कहा गया है कि अच्छा
यहाँ पर योगा करने से आप हर बीमारी से यहाँ पर बच सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों को अस्थमा है वो फास्ट फूड और तमाम तरह की चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि इन चीजों से इसमें बढ़ोतरी ज्यादा होती है। क्योंकि डॉक्टर राकेश गर्ग, अभी हम जब बात कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल काफी बदल जाती है, खान पान काफी हमारा बदल जाता है, आजकल की लाइफ तो कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और इन सब पर ही ज्यादा यहाँ निर्भर है। तो हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं कि सर कितना ज्यादा यहाँ पर खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है अगर वो अस्थमा या दमा की बीमारी से ग्रसित हैं। निश्चित रूप से जब दमा होता है तो एक असंतुलन पूरे शरीर के अंदर हो जाता है, एक असंतुलित स्थिति पैदा हो जाती है और उसकी गंभीरता को तो वही जान सकता है रोगी जिसके साथ ये गुजर रही होती है। इसमें कई बार ठीक से ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मृत्यु तक हो सकती है, इसमें टेरुआ में चला जाता है आदमी। तो उस स्थिति से बचने के लिए बेहतर है कि हमें विशेष रूप से तीन चीज़ों का, मैदा, चीनी और चावल, तीन चीज़ों का विशेष रूप से हमें ख्याल रखना पड़ेगा। हम इनसे दूरी बना के रखेंगे तब हमें काफ़ी कुछ इसका फायदा दिखाई देगा। बिल्कुल, क्योंकि अस्थमा के हम लक्षण आपको बता रहे हैं, तेज सांस लेते समय घबराहट का काफी महसूस होना, ये लक्षण है अस्थमा के। अगर आपको भी इस तरह के लक्षण समझ में आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से जाकर जरूर कंसल्ट करें। हमेशा आपके सिर का भारी रहना यहाँ पर जो है वो नजर आता है। तो आज अपने खास कार्यक्रम में हमने अस्थमा के बारे में बताया कि अस्थमा क्या है, किस वजह से होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर राकेश गर्ग ने तमाम पहलुओं पर नजर डाली और आपको बताया कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। डॉक्टर, हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज डॉक्टर लाइव में इतना ही, कल एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। लेकिन उससे पहले जाते थे आपको बता दें कि भारत से लगातार मिल रही हार से ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व खिलाड़ी नाराज हैं और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की है। तो आज शाम 5:28 पर देखना ना भूलिएगा, इसी पर हमारी खास पेशकश कंगारुओं की ये कैसी दबंग गई।